हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अंकिता लोखंडे को आ गया है गुस्सा, रिया चक्रवर्ती को सुना दी है खरी खोटी। जी हाँ, बीते दिन रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया और खुद पर लग रहे तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इस इंटरव्यू के दौरान कई संगीन आरोप सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पर भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जमाना अंकिता को सुशांत की विधवा बता रहा है, तो वही जो अंकिता लोखंडे है वो सुशांत के ही खास दोस्त विकी जैन को डेट कर रही हैं। ये कैसी सिंपति वो ले रही हैं? इस तरह की बातें रिया चक्रवर्ती अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में अंकिता को लेकर करती नजर आई। लेकिन अब अंकिता ने चुप्पी तोड़ते हुए अब रिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रिया को लेकर अंकिता ने कहा कि रिया बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत तरीके से बोल रही है। एक पोस्ट अंकिता ने शेयर किया है और साथ ही साथ अपनी सफाई पेश की है। अंकिता ने रिया को जवाब देते हुए लिखा, मैं और सुशांत 23 फरवरी 2016 तक साथ थे। वो किसी भी तरह के डिप्रेशन की स्थिति में नहीं था और कभी भी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गया था, वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ तक कि अंकिता ने इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि रिया को वो पहले से नहीं जानती, उन्हें नहीं पता कि रिया और सुशांत का कैसा रिश्ता था। और जब अंकिता ने इंटरव्यू भी दिया था तो उन्होंने यही बातें कही थी। इस बात का जिक्र भी अंकिता ने इस पोस्ट में किया है। साथ ही साथ अंकिता का कहना है कि वो सुशांत से बिल्कुल भी टच में नहीं थी जब से उनका ब्रेकअप हुआ था। हाँ जरूर, जब उनकी फिल्म मणिकर्णिका आई थी तो सुशांत ने एक मैसेज करके उन्हें बधाई दी थी, जिसके बाद अंकिता और सुशांत की अच्छे तरीके से कुछ मैसेजेस में बात हुई थी। लेकिन रिया को लेकर अंकिता सुशांत के बीच में कोई भी जिक्र कभी नहीं हुआ। इन तमाम बातों को लेकर रिया चक्रवर्ती पर अंकिता लोखंडे काफी गुस्सा हो गई है, क्योंकि अंकिता ने कहा है रिया ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में इतना ही।